जे जे भी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप बने रहें ताजा तरीन खबरों के साथ। मुमरा में जहां कुछ दिन पहले शिवसेना ने अपना रैली निकाला था, तो वहीं आज एनसीपी का भी रैली निकाला गया। आपको बता दें कि कल्याण लोकसभा में दो लोगों में टक्कर है, एक शिवसेना उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे तो वहीं एनसीपी उम्मीदवार बाबाजी पाटिल में कड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है। आज मुमरा में एनसीपी ने अपना रैली निकाला था, जिनकी सड़कों पर भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था कि एनसीपी उम्मीदवार बाबाजी पाटिल का पलड़ा भारी है। इस रैली में एनसीपी विधायक डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने खुद पैदल चलकर लोगों से बाबाजी पाटिल को जिताने की अपील की। इस मौके पर सभी एनसीपी कार्यकर्ता भी साथ में मौजूद रहे। इस भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी के बनारस रैली में लोगों द्वारा सड़क जाम हो गया था, वैसा ही हाल आज मुमरा में बाबाजी पाटिल की रैली के दौरान देखने को मिला। वहां के कई लोगों का कहना है कि बाबा जी पाटिल एक नगर सेवक होने के बावजूद इतना अच्छा काम किए हैं, अगर ये संसद में जाते हैं तो हमारे तकलीफों का निवारण अवश्य होगा, ऐसा उन्हें पूर्ण विश्वास है। आप हमारे YouTube पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर घंटी जरूर बजाएं ताकि आपको मिल सके हमारे खबरों के नए अपडेट का नोटिफिकेशन।